ही आ चुके हैं, ये जो चित्राल से तकरीबन बनता था हमारा, कितने किलोमीटर बनता था चित्राल से? वो नहीं, कितना था? कुछ 78 किलोमीटर बनता था। अब ये इससे आगे मुस्तेज है, मुस्तेज आगे हम चंदूर जाना है। और ये हम यहाँ के जो इलाके के लोग हैं बड़े अच्छे हैं, उन्होंने हमें ऑफ़र की चेरी खाने की, तो हमने इनकार नहीं किया। तो ये चेरी देख लें, और दरख्त के साथ तोड़ के देखिए खाने का अपना एक खूबसूरत। मज़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है? ये यहाँ के बंदे हैं, यहाँ पे मेहमान नवाज हैं। तो छोड़ मुझे, तोड़ के देना मुझे, फिर लेते हैं। इसकी वीडियो बना, ये देख कितने घने घने हैं, इसकी वीडियो बना। सीन कुछ ऐसे हैं, हम इस वक्त शंदूर से थोड़ा पहले मस्तिज में हैं। अपने चैनल के बारे कह रहे हैं कि आप कुछ कभी भी किसी किस्म की मसला मुसीबत हो तो आपको इतना होना चाहिए कि आप खुद इसका हल निकाल सकें। इसलिए आपको कि रास्ते में रुकना नहीं पड़ेगा, बाइक टूर के लिए लाजमी है कि आपको खुद कुछ ना कुछ काम आता हो, कि आपको किसी के मुताजी ना हो, कि आपको ये नहीं कि साथ मकैनिक लेके घूम रहे हो या कुछ कर रहे हो। क्योंकि रास्ते कहाँ, यहाँ काफ़ी लंबे रास्ते होते हैं और रास्ते कच्चे होते हैं, तो अक्सर प्रॉब्लम होती है, टायर पंचर हो जाना, क्लोर मसला है। तो कम से कम आपको इतना करो कि आप आधे मैकेनिक हो, इसलिए आपका टूर बेहतरीन हो। सर ये अंडे तैयार कर रहा है, और जब तैयार हो चुके होगा फिर बताएंगे आपको, वो फूल ही टेस्टी होगा। वैसे भी मर गया टेस्ट फूल है बड़े ख़ास, ये रुबीनिया कहलाते हैं। रुबीनिया इसमें ये इसलिए लगाया जाता है, ज़्यादातर शहद की मक्खियाँ जो हैं इसका लेती है। इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा हल्का हल्का सा टेस्ट का होता है और बड़ा अच्छा टेस्ट होता है, और ये बहुत एक्सपेंसिव हनी होता है इसका। तो ये हम शंदूर पहुंच चुके हैं, ये मेरे बैक साइड पे आपको झील नज़र आ रही है शंदूर की, और बैक साइड पे ये पोलो ग्राउंड भी है। फंडर ले का पी से बनता है ये फंडर, ये फंडर फंडर क्या है, ये फंडर फंडर क्या है भाई हमजा? अब अपने तो जो है वो ज़ाहिर करेंगे अपने ये फंडर। अगर आप गिलगित वाली साइड से आते हैं तो ये आपको पहला व्यू आएगा, इससे भी अच्छे व्यूज़ आगे मिलेंगे, लेकिन ये आपको झील का एक इन्होंने सेपरेट करके पानी बनाया हुआ, ये पहला व्यू आपको मिलेगा। लेकिन आप फर्दर जो ही चित्राल की तरफ मूव करते जाएंगे आगे तो आपको एक बहुत अच्छे खूबसूरत मनाजर, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत आपको मिलेंगे, वो साथ साथ जो है आपको नेक्स्ट इस वीडियो में आपको नज़र आएंगे, वो आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह सारे। तो अभी ये भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जगह है, वीडियो में तो हम नहीं आपको एक्सप्लेन कर पा रहे, वीडियो में शायद आपको बड़ी धूप गर्मी सी फील हो रही होगी, लेकिन हमें इस धूप और गर्मी में जो ठंडी ठंडी हवा साथ ब्रीजिंग ठंडी ठंडी फील हो रही है वो बहुत मतलब अच्छा एहसास दे रही है। हमारा वेस्ट नहीं, हमें पहले लग तो रहा था वेस्ट है, हमने भी वीडियोस में देखा था PTDC को वेस्ट ही है ऐसे एवेंजर्स है, लेकिन बहुत यकीन माने बहुत अच्छी जगह है। ये सब भी आना चाहें तो यहाँ बिल्कुल सुकून से आ सकती हो, बहुत ही मतलब फैमिली के लिए एक रीजनेबल प्लेस है, थोड़ी फ्रेश प्लेस है, बड़ी प्यारी से यहाँ पर रूम वगैरह भी आपको मिल रही है। मोस्ट जो प्यारी बात है PTDC की, यहाँ पे ना आपको बैक पे ना, यहाँ जब मैंने एंट्री की है यहाँ से बैक से नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पीछे बिल्कुल लेक का व्यू नज़र आ रहा है आपको, ये लेक का व्यू आपको शो हो रहा है। तो ये बेसिकली बड़ा एक प्यारा सा व्यू यहाँ आपको मिल रहा है, और उसके दूसरी तरफ ना एक टॉप पे ये बनी हुई है, ये PTDC जो बना हुआ है ये टॉप पे बना हुआ है, उसके बैक एंड पे सारा आपको ना सराउंडिंग का व्यू नज़र आता है। अब यहाँ से इस एरिया में भी आपको का व्यू नज़र आ रहा होगा, मतलब एक बेस्ट लोकेशन है, बड़ी अच्छी लोकेशन है इवन के फैमिलीज़ के लिए। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप जब भी फैमिली के साथ आएँ तो यहाँ पे आप जो ट्रेनिंग एरिया बनाऊंगा किचन का उस तरफ होगा, तो अगर उन्होंने इजाज़त दी तो किचन का भी आपको विजिट कराता हूँ, किचन इसका कैसे इनका कैसे। We'll be right back.
हम इस वक्त हरिपुर पहुंच चुके हैं और हरिपुर से जो हमजा और इस्लान ने टैक्सा की तरफ निकलना है और मैंने और समर ने जो असमदाल की तरफ जाना है। पुलिस वुलिस देख रहे होंगे सबके क्या चेहरे हो चुके हैं। हम बाइक पर इतना लंबा ट्रैवल करके आए हैं तो ये तकरीबन हम 1800 किलोमीटर मल्टीप्लाई थ्री करते हैं क्योंकि रास्ते सारा हम निकले हैं यहाँ से असलमदार ये इस्लामाबाद से और ये टैक्सा से और निकल के हम गए हैं जनाब स्वाद की तरफ से दीप की तरफ से सॉरी चित्राल गाड़ी टनल से होते हुए फिर हम पहुँचे हैं शंदूर। वो बीच में बोनी मस्तिज वगैरह का छोड़ शंदूर से फिर आगे फिर हम फंडर वैली से हम होते हुए फिर गिलगित और गिलगित से फिर होते हुए फिर शाम के रास्ते से रेशल से हम पहुँचे हैं यहाँ तक। तो ये हम इस वक्त हमारा अलविदाई जो है वो मिलना जुलना है तो हम साथ मिले सर बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर ओके।